अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आपके? सब ठीक ठाक हैं? उम्मीद का खैर से होंगे। मुझे बहुत खुशी होती है जब मुझे कोई ऐसा फीडबैक मिलता है या मेरी वीडियो से किसी को कोई फ़ायदा होता है और वो दिल से मुझे दुआ देता है। यही मेरे चैनल का मकसद है, यही मेरा पर्पस भी यही है। और जो पिछले 3 साल से जो मैं चैनल चला रहा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह अब इसकी एक छोटी सी मेरी यूट्यूब फैमिली जो है वो बढ़ती जा रही है, तो इसका सारा पर्पस मेरा ये है। अगर हम बात करें ROI की तो मेरी ROI ये है। अगर हम बात करें सक्सेस स्टोरी की तो मेरी सक्सेस स्टोरी ये है रियल में, ठीक है। हमारे एक प्यारे भाई हैं मलिक ज़ैन अवानी, हमें काफ़ी गोल्डन टिकट्स देते रहते हैं, फिर मैं आप लोगों को गिव अवे करता रहता हूँ। इनका मुझे मैसेज आया, थैंक यू सो मच उमर भाई, मैं कोशिश करूँगा, मुझे और भी टिकट्स मिलेंगे तो मैं आपकी को दिया करूँगा। बहुत शुक्रिया, जजाकल्ला। अल्लाह पाक आपको बहुत कामयाब करे, आपको और आपकी फ़ैमिली को भी हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, दुनिया की हर नेमत से नवाजे। जजाकल्ला, बहुत बहुत शुक्रिया। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह तबारक व तआला आपको, आपकी फ़ैमिली को, इनफैक्ट मेरे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी उम्मा को, ठीक है, उनके जो मसले मसाइल हैं, जो मुश्किल हैं, जो परेशानी है, वो सारी की सारी हेल्प फरमाए, किसी को कोई मुश्किल परेशानी ना आए। जब हम लोग इस तरह दुआ करते हैं ना हर एक के लिए, पूरी उम्मत के लिए, तो यकीन जानिए अल्लाह तबारक व तआला उन सब की परेशानियां तो हल फरमाते ही फरमाते हैं, उसके तवसल से हमारे भी मसले मसाइल, हम पे भी आने वाली मुश्किल परेशानियाँ हल फरमा देते हैं। तो हमेशा कोशिश किया करें सिर्फ अपने लिए दुआ ना किया करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी उम्मत के लिए दुआ किया करें। आपको पता है ना कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लास्ट टाइम पर भी यही अल्फाज थे, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत। तो सोचें हम कितने खुश नसीब हैं कि हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, जो आखिरी पल तक हमारे बारे में सोचते रहे, हमारे बारे में कहते रहे। तो एज बीइंग एन उम्मती ऑफ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हमारी भी अटमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम भी अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी उम्मत के लिए हाथ उठा के दुआ किया करें। तो अभी हाथ उठा के पूरी उम्मत के लिए दुआ करें, अल्लाह तबारक व तआला आपके मसले मसाइल परेशानियाँ सब हल फरमा देंगे इंशाल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम पहले, कुछ देर पहले मैंने वीडियो अपलोड की, मैंने आपको बताया था कि भाई सादा पे का जो ब्लैक वाला डेबिट कार्ड है, फाउंडर्स क्लब वाला डेबिट कार्ड, वो मिल रहा है, री इशू करवा लें। और ये लो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये मलिक ज़ैन अवान का, चेक करो कितना कमाल कार्ड है यार। मैंने ये ब्लैक कार्ड जो है सादा पे का फाउंडर्स क्लब कार्ड, इसकी एक अपनी ही, जिसे कहते हैं ना, टोर है। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, मेरे पास नया पे का भी कार्ड पड़ा हुआ है, ऑरेंज वाला, सादा पे का, ये ब्लैक वाला भी पड़ा हुआ है, सादा पे का जो सिंपल ग्रीन वाला है मेरे पास वो भी पड़ा हुआ है। लेकिन जो, जिसे कहते हैं ना, क्लास और एक जो कलर अपीयरेंस जो है, जो इस कार्ड का है ना यार, वो मेरे ख्याल से किसी दूसरे बैंक के ATM कार्ड के भी ऐसी नहीं है। ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, ठीक है। अभी तो ये जस्ट पिक्चर है, तो सोचो यार रियल में कितना प्यारा लगता होगा। खैर, इनको ये देखो, अभी 10 मिनट पहले इनको मिला है भाई। इनको जो है, इनको 10 इनवाइट्स इनके पूरे हो चुके थे, फाउंडर्स क्लब के मेंबर थे, तो इनको टील फाउंडर्स क्लब वाला जो सी ग्रीन वाला कार्ड है वो मिला था। और मैंने आप लोगों से पहले कहा था सितंबर में कि कार्ड री इशू करवा ले, बाद में कोई स्टॉक का इशू आ गया। अभी इनको दोबारा 10 मिनट पहले, ये देख लो, कार्ड रिसीव हुआ है, इन्होंने कार्ड री इशू करवाया। तो सादा पे यूज़र्स जिनके पास टील फाउंडर्स क्लब कार्ड है, यानी कि जिनके पास ग्रीन वाला कार्ड है लेकिन उसके ऊपर फाउंडर्स क्लब लिखा हुआ है, वो अपने कार्ड री इशू करवा सकते हैं फ्री में, सादा पे की ऐप से जाके आपको आपका ब्लैक वाला कार्ड मिल जाएगा, ठीक है। ये मैं दोबारा बता दूँ, जिनके पास सिंपल ग्रीन वाला कार्ड है उनको नहीं मिलेगा, क्योंकि उनके 10 इनवाइट्स पूरे नहीं हुए, उनको वेलकम ईमेल नहीं आई फाउंडर्स क्लब की तरफ से। जिनके 10 इनवाइट्स पूरे हो चुके हैं, ईमेल आ चुकी है फाउंडर्स क्लब की तरफ से, उनको टील फाउंडर्स क्लब वाला कार्ड मिला होगा, वो जाके कार्ड इशू करो, उनको ब्लैक वाला कार्ड मिल जाएगा, ठीक है। और बाकी हमेशा कहता हूँ कि लोगों के दिलों से दुआएं निकलवाने के प्रोसीजर को आसान कीजिए, ना कि उनकी जेबों से पैसा निकलवाने को। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। और मलिक ज़ैन अवान आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपका सादा पे का जो फाइनली आपको ब्लैक वाला कार्ड आपको मिल गया। दुआ में याद रखिएगा, पाकिस्तान जिंदाबाद।